एसएस राजामौली के डायरेक्शन में बनी फिल्म ट्रिपल आर ने धमाकेदार वीकेंड के बाद भी अपनी शानदार सफर जारी रखी है। हर दिन फिल्म नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। फिल्म ने चौथे दिन यानी कि मंडे को हिंदी में 16 से 18 करोड़ तक की कमाई की है। वहीं वर्ल्ड वाइड फिल्म 563 करोड़ तक पहुंच चुकी है। हम आपको बता दें, ये सिर्फ 4 दिनों में ही भारत की सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्मों में शामिल हो चुकी है। DVV चैरिटी द्वारा मैन्युफैक्चर ट्रिपल आर कई बार पोस्टपोन होने के बाद 25 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज हुई है। ये फिल्म 3.5 साल से बन रही थी। डायरेक्टर राजामौली ने इसे 2020 में रिलीज करने की योजना बनाई थी, लेकिन COVID-19 की महामारी ने उन्हें लंबे समय तक का इंतजार करने के लिए मजबूर कर दिया था। बहरहाल अब फिल्म रिलीज हो चुकी है और रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल कर रही है। ओपनिंग के साथ ये फिल्म कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। फिल्म के हिंदी वर्जन की बात करें तो ट्रिपल आर ने 4 दिनों में 92 करोड़ तक का लगभग कमाई कर ली है। फिल्म ने पहले दिन 19 करोड़, दूसरे दिन 24 करोड़, तीसरे दिन 31 करोड़ और चौथे दिन 17 करोड़ के लगभग की कमाई की है। और अगर इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो ट्रिपल आर ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 560 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। और इसी के साथ वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा कमाने वाली टॉप 10 भारतीय फिल्मों की लिस्ट में भी ये शामिल हो चुकी है। 5वें या 6ठे दिन की कमाई के साथ ट्रिपल आर ने बाहुबली पार्ट 1 को पीछे छोड़ दिया है। पहले दिन 257 करोड़, दूसरे दिन 114 करोड़ और तीसरे दिन 118 करोड़ और चौथे दिन 72 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। और भारत में कमाई एक रिपोर्ट के अनुसार मंडे को चैलेंज के एक्सेप्ट करते हुए ट्रिपल आर ने तेलुगु एरिया से चौथे दिन 15 करोड़ रुपए की कमाई की है, जिसके बाद तेलुगु राज्यों से इसका कुल कलेक्शन 154 करोड़ तक पहुंच चुका है। अब आते हैं हॉलीवुड की तरफ। हॉलीवुड फिल्मों को छोड़ा पीछे, ट्रिपल आर ने हॉलीवुड फिल्मों द बैटमैन और द लॉस्ट सिटी के वीकेंड कलेक्शन को 26-27 मार्च को भी पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने $45.5 मिलियन और $35 मिलियन का बिजनेस किया है। ट्रिपल आर ने बॉक्स ऑफिस पर 26-27 मार्च को दुनिया भर में $60 मिलियन की कमाई की है और इसे सभी लैंग्वेज में रिलीज किया गया है। वैसे आपको मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आप यहां तक आई गए हो तो प्लीज हमारे चैनल सेलिब्रिटी 7 स्टार को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी अपडेट्स मैं लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।